नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं। जन विश्वास रैली में उमड़ा है जन सैलाब। जी हाँ दोस्तों, उड़े हैं बीजेपी के होश। सीएम नीतीश तो रैली देख के ही रह गए दंग। दूसरी तरफ जानेंगे दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने कर दिया एक और नया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। सत्यपाल मलिक ने दी है अपडेट। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं 24 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत सकता है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा #BeSupportIndiaGathbandhan। जन विश्वास रैली में उमड़ी है भीड़। एक मंच पर राहुल गांधी, खड़गे, लालू यादव, अखिलेश समेत विपक्ष के दिग्गज नेता। जी हाँ दोस्तों, जनसभा में भीड़ देख के तो बीजेपी वालों के और जेडीयू के होश ही उड़ गए। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले ही रैली की थी। जेडीयू बीजेपी ने भी मिलाकर यहां पे 10,000 की भीड़ नहीं जुटा पाई। जन विश्वास रैली की जो तस्वीरें आई हैं उसमें भीड़ का हुजूम देखा जा सकता है। महागठबंधन समर्थकों का भारी हुजूम था। और वहीं दोस्तों, इस जन विश्वास रैली में राहुल गांधी गरजे हैं और बीजेपी आरएसएस को घेरा है। राहुल गांधी बोले, बीजेपी के लोगों को गलत फहमी में नहीं होना चाहिए। हम लोग बीजेपी से आरएसएस से नहीं डरते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बीजेपी आरएसएस को हटा के केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बना के दिखाएंगे। पटना के गांधी मैदान में राहुल गांधी ने बीजेपी को दी है खुली चुनौती। वहीं दूसरी तरफ जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बताया है आरजेडी का मतलब बीजेपी को घेरा। तेजस्वी ने कहा, आर से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब्स यानी नौकरी, और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास। ये है आरजेडी का पूरी फुल फॉर्म, यहाँ पे देख सकते हैं। तेजस्वी यादव भी गर्ज हैं। वहीं दोस्तों, तेजस्वी ने कहा कि जब 2020 में मैंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था तो नीतीश कुमार जी ने कहा था, कहाँ से आएगा पैसा, ये असंभव है। लेकिन जो 17 साल में नहीं हुआ हमने वो 17 महीने में करके दिखाया है। और उसी मुख्यमंत्री के हाथों 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाई है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर सीएम नीतीश, जेडीयू और बीजेपी को एक साथ घेरा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने घेरा है दोस्तों यहाँ पे बीजेपी को रोजगार के मुद्दे पर। राहुल गांधी बोले, आज देश में 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, क्योंकि जिन छोटे उद्योगों से रोजगार पैदा होते थे मोदी सरकार ने जीएसटी नोटबंदी लाकर उन्हें समाप्त कर दिया है। राहुल ने कहा, देश में आज बड़े बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली बन रही है। नरेंद्र मोदी ने देश की सारी संपत्ति एक उद्योगपति को थमा दी है। गौतम अडानी पे सीधा हमला, राहुल गांधी ने बोला बिना नाम लिए। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी इस जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव बोले, 120 हराओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ नौकरी पाओ, भाजपा हटाओ संकट मिटाओ। अखिलेश यादव ने यहाँ पे 120 हराओ नारा दिया है और यहाँ पे सीधी चुनौती बीजेपी को दी है। वहीं दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, पूर्व राज्यपाल और बीजेपी के नेता रहे सत्यपाल मलिक आए दिन मोदी सरकार को लेकर, खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई खुलासे करते रहते हैं। अब कहा कि केंद्र के इशारे पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर सीबीआई के छापे मरवाकर मुझे व मेरे सहयोगी स्टाफ को बेवजह परेशान किया जा रहा है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मेरे पास से सीबीआई को कुछ भी बरामद नहीं हुआ और ना होगा। मेरी छवि को खराब करने के लिए मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे। मैं जिन जिन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत की थी वो सभी भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, उल्टा मुझे परेशान किया जा रहा। सत्यपाल मलिक ने कहा, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाने के लिए मुझे बेवजह बदनाम करने पर अब मैं आपके खिलाफ, यानी कि यहाँ पे दोस्तों कोर्ट जाने की बात कही है सत्यपाल मलिक ने, मानहानि का केस दर्ज करवाएंगे। तो दूसरी तरफ जन विश्वास रैली को लेकर अपडेट आ रही है दोस्तों, लालू यादव गरजे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। लालू यादव ने तो प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू मानने से ही इनकार कर दिया है। लालू यादव ने कहा, मोदी जी हिंदू नहीं है, हर हिंदू अपनी मां की मृत्यु पर अपना सिर मुंडवाता है, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया, फिर वह हिंदू कैसे हो गए। वहीं आरजेडी अध्यक्ष ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं, आपके पास परिवार नहीं है, आप हिंदू भी नहीं हैं।
ये तो दोस्तों लालू यादव का बयान था, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस जनसभा में गरजे हैं, बोले हैं कि आज पीएम मोदी देश को बर्बाद करने में लगे हैं। अब पीएम मोदी बीजेपी की गारंटी नहीं बोलते, अपनी सरकार की गारंटी नहीं बोलते, अब वो बोलते हैं मोदी की गारंटी। बिग ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी को लगा है जोरदार झटका, पश्चिम बंगाल से अपडेट निकल के आ रही है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बीजेपी का टिकट ठुकराया। पवन ने लिखा, मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। आपको बता दें, भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने आसनसोल से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की घोषणा की। गौरतलब है, हाल ही में टीएमसी ने बंगाली गीत और संस्कृति का अपमान का मुद्दा बनाकर यहाँ पे भोजपुरी स्टार पवन सिंह पे हमला करना शुरू किया था, जिसके बाद वे बैकफुट पे दिखाई दिए थे। टीएमसी ने इस पूरे मामले पे बीजेपी को घेरा और यहाँ पे दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। वहीं पवन सिंह के टिकट लौटाने पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर लिखा, खेला शुरू होने से पहले ही या खेला होवे है। ये दोस्तों अपडेट है, एक और खबर की ओर बढ़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही दोस्तों, बीजेपी ने 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। आपको बता दें, गौर करने वाली बात है, पीलीभीत और सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर अभी तक प्रत्याशी घोषित किए जाते थे वरुण गांधी और मेनका गांधी, लेकिन इस बार मां बेटे को पहली सूची में टिकट नहीं मिला है। बताते चले, वरुण गांधी लगातार पार्टी लाइन से हटके बयान दे रहे थे, जिसके बाद ये संभावित था कि वह टिकट नहीं पाएंगे। और इस बार दोस्तों उनकी नजदीकी अभी कई हद तक कांग्रेस पार्टी से बड़ी है, यहाँ तक कि खबर आई थी कि वह समाजवादी पार्टी में भी जा सकते हैं। तो वहीं दोस्तों इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का भी बयान आया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी की पहली सूची ही स्पष्ट दिखाती है कि बीजेपी में कितनी हताशा और निराशा है। इन चुनावों में 2004 जैसा परिणाम आएगा। सत्यपाल मलिक को लेकर दोस्तों एक अपडेट निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, पहली लिस्ट में उनका नाम भी है। वहीं अब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को कांग्रेस वाराणसी से मोदी के सामने प्रत्याशी बनाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, कांग्रेस ने इस सीट पर अपने विश्वस्त सलाहकारों से प्रत्याशी के बारे में सुझाव मांगे। सबसे आगे सत्यपाल मलिक का नाम सामने रखा गया है। वहीं दोस्तों अपडेट आ रही है, एनडीए छोड़ सकते हैं चिराग पासवान, नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने से नाराज बताए जा रहे हैं। चिराग पासवान के पीएम मोदी की जनसभा में शामिल ना होने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है। सवाल उठ रहे हैं कि चिराग पासवान के एनडीए छोड़ सकते हैं। तो दूसरी तरफ इन सभी खबरों पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर चिराग पासवान नाराज हैं तो यहां आ जाएं, यानी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। ये ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई दोस्तों, सभी बड़ी खबरें एक एक करके आप तक पहुंचाई। पसंद आया हो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी खबरें पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।